जिसे बोलते हैं कि उस खेत में पैदा क्या होगा, और जिस खेत में कांस हो जाता है, और जिस घर दो सोती रहती है, घर हर तरह नाश हो जाता है। सौते रहती हैं वो घर हर तरह से नाश हो जाता है। सुनीति, हमसे दूसरे विवाह की बात मत कहो। आठों पहर सुनीति ने रट लगा दी है महाराज के कानों से, विवाह कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लो। तब महाराज जाकर के अपने पिता स्वयंभव मनु के पास में पहुंचे और जवाब दिया, पिताजी अब हमें ये बताओ, अब हम विवाह करें कि ना करें? बोले हमारे संतान नहीं है। स्वयंभव मनु ने जवाब दिया, क्यों रे मूर्ख, के पागल हो गए? घर में जब एक पत्नी है तो दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत है? उत्तान पाद कहने लगे, पिताजी ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी पत्नी की इच्छा है, वो कहती है कि विवाह कर लो। स्वयंभव मनु ने जवाब दिया, यदि पत्नी चाहती है तो विवाह कर लो, कोई आपत्ति नहीं। पिता के आदेशा अनुसार महाराज उत्तानपाद ने एक सुरची नामक लड़की से विवाह संपन्न किया। विवाह करके महाराज अपने दरवाजे पर आए हैं,